बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन, दिस वीडियो। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स जो होती हैं हमारी बॉडी में, किस तरह की प्रोटीन्स होती हैं, कितनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होती हैं, स्ट्रक्चरल अगर हम बात करें, एमडी कैट में किस तरह के एमसीक्यूज इनके बनते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। हमारे हमारी बॉडी में अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिक्र करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो सबसे अबंडेंट मॉलिक्यूल होगा इट इज़ गोइंग टू बी प्रोटीन्स। दे आर दी मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन सेल्स। अगर एक सेल के ड्राई वेट के बारे में बात की जाए, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर एक सेल के ड्राई वेट की बात की जाती है तो उसमें 50% प्रोटीन्स जो होती हैं। व्हाट इज़ अ ड्राई वेट? सपोज कर लीजिए एक सेल है, उसका वेट है 100 ग्राम, विच इज़ नॉट पॉसिबल बट स्टिल लेट्स अज्यूम। इसमें जो है वो 70% या 70 ग्राम जो है वो वाटर है, तो रिमेनिंग हमारे पास जो वेट होगा दैट इज 30 ग्राम। अगर आप पानी को रिमूव कर दें उसमें से, दिस इज द ड्राई सेल। इस ड्राई सेल का 50% यानी कि 15 ग्राम जो हमारे पास इसमें मास होगा, दीज आर गोइंग टू बी प्रोटीन्स। ये हर तरह के सेल के अंदर हर एक पोर्शन में मौजूद होती हैं। दे परफॉर्म मैनी फंक्शंस इन द सेल, और हमारे सेल में, हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने वाली जो फंक्शनल बेसिकली मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर प्रोटीन्स। जितने भी एंजाइम्स हैं दे आर प्रोटीन्स। तो इन्होंने हमारी बॉडी में रिएक्शंस को कंडक्ट करना है, रिएक्शंस को परफॉर्म करवाना है। दे बिल्ड मैनी स्ट्रक्चर्स एज वेल। अगर हम इनके चंद एक फंक्शंस की बात करें, जितने भी एंजाइम्स हैं, वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ एंजाइम बिकॉज वी नो एंजाइम्स जो है वो रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। जितने भी एंजाइम्स होते हैं दे आर प्रोटीन्स। बहुत से हॉर्मोन्स हैं जैसे कि सोमेटोट्रोफिन हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन हमारा, वो एक प्रोटीन है। इसमें हीमोग्लोबिन एक ऐसी कैरियर प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे लंग्स से हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाती है। मायोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि मौजूद होती है हमारे मसल्स के अंदर, इट स्टोर्स ऑक्सीजन। और वो लोग जो कि इंड्योरेंस एक्सरसाइज करते हैं, इंड्योरेंस एथलीट्स होते हैं जैसे कि मैराथन रनर्स हैं, उनके मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है ताकि वो एक लंबे टाइम पीरियड तक एक्टिविटी परफॉर्म करते रहें। कोई भी एक और एमसीक्यू से पूछा जाता है कि मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की कैपेसिटी हीमोग्लोबिन से ज्यादा होती है। दैट इज समथिंग यू गाइज कैन रिमेम्बर। सम प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज जो इम्यूनोग्लोबिलिन होती हैं, हमारी बॉडी की आर्म्ड फोर्सेस हैं, हमारी बॉडी की आर्मी है, हमारी बॉडी को डिफेंड करती हैं किसी भी फॉरेन इन्वेडर से, जैसे बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन अगर हमारी बॉडी में आ जाते हैं तो दीज एंटीबॉडीज विल प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट दोज पैथोजेंस। इसके अलावा हमारी बॉडी में फाइब्रिन, फाइब्रिनोजिन जो इसकी एक्टिव फॉर्म है, या थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, दीज आर द ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स जो कि खुदा न खास्ता किसी भी इंजरी के टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का जो लॉस है उसको रोकती हैं। अगर आपने भी देखा होगा कि कभी चोट लगती है तो वहाँ पे खून जम जाता है, वो खून क्यों जमते हैं, वो ये प्रोटीन्स होती हैं जो कि खून को जमने में हेल्प करती हैं, उसको क्लॉट बनने में हेल्प करती हैं। जो प्रोटीन्स हैं वो पॉलीमर्स हैं, बहुत बड़े बड़े पॉलीमर्स हैं, वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, वो छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बनते हैं। दैट इज द केस विद एवरी काइंड ऑफ पॉलीमर। इन मोनोमर्स को हम लोग अमीनो एसिड्स का नाम देते हैं। आप अमाइनो एसिड भी बोल सकते हैं, अमीनो एसिड भी बोल सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन योर एक्सेंट, दैट्स टोटली फाइन। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। हमारे नेचर में 170+ अमीनो एसिड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन प्रोटीन्स में सिर्फ और सिर्फ 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अमीनो एसिड के अंदर टोटल 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास एक अल्फा कार्बन, ठीक है, अल्फा कार्बन, अल्फा सी हमारे पास होता है। अल्फा कार्बन के साथ दो फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं, एक एसिडिक ग्रुप है दैट्स वाई इसको एसिड बोला जाता है, दूसरा अमीनो ग्रुप। तो बेसिकली आपको इसका पूरा नाम जो है पता चल गया, ये अमीनो एसिड क्यों है। इसमें एक अमीनो ग्रुप अमाइन ग्रुप होता है, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। ये तीन हमारे पास पार्ट हो गए। फोर्थ वन इज द अल्काइल ग्रुप और द आर ग्रुप, द साइड चेन। ये वो पार्ट है जो कि हर एक अमीनो एसिड के अंदर डिफरेंट होता है। डिफरेंट अमीनो जो 20 टाइप्स ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड हैं उनमें एक दूसरे से डिफरेंट जो है वो इस पार्ट की बेस पे जो है पाया जाता है। सॉरी, अगर हम चंद एक अमीनो एसिड को यहाँ पे देखें, जैसे ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन में आर ग्रुप की जगह पे एक सिंगल हाइड्रोजन का एटम जो है मौजूद है। एलानिन के अंदर आर ग्रुप की जगह पे एक मीथेन का जो मॉलिक्यूल है वो मौजूद है।
These two are the most important amino acids when it comes to the R group side chain. अगर हम MCQs की बात करें तो आपसे MCQs में ये पूछा जाता है कि which one is the simplest amino acid? तो वो ग्लाइसिन है. Which one is the second simplest amino acid? That is alanine. और अगर आपसे ये पूछा जाए कि साइड चेन पे हाइड्रोजन कौन से अमीनो एसिड में मौजूद होता है, वो ग्लाइसिन होगा. साइड चेन पे मीथेन ग्रुप कौन से अमीनो एसिड में होता है, वो एलानिन होगा. तो इस तरह ये वाले जो दो अमीनो एसिड्स हैं, ये एमसीक्यूज में रिपीटेडली पूछा जाते हैं. यू गाइस नीड टू रिमेंबर दिस. अब हमने ये बात की थी कि जो प्रोटीन्स हैं, दीज आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स. तो अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे किस तरह? अगेन डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होगी. डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होने की वजह से एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा. पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे कैसे बनता है, देखें डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं. दो अलग अलग अमीनो एसिड्स की अगर हम बात करते हैं, इसको हम लोग अमीनो एसिड वन कह देते हैं, इसको अमीनो एसिड टू कह देते हैं. एक अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वो दूसरे अमीनो एसिड के अमाइन ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करता है. इन जो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है, उसमें क्या होना है कि एक साइड से हाइड्रोजन, दूसरी साइड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा, और इनके आपस में इंटरेक्ट करने की वजह से पानी का मॉलिक्यूल बन के चला जाएगा. अब इन्होंने आपस में इंटरेक्ट तो कर लिया, इनके इंटरेक्ट करने की वजह से पानी का मॉलिक्यूल तो बन गया, लेकिन यहां से कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो गया. इट टेक्स टाइम. एनीवेज, कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो गया और दूसरा हाइड्रोजन यहां से जब गया तो नाइट्रोजन का भी बॉन्ड फ्री हो गया. जब इन दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हुआ, तो इन्होंने कहा कि चलें क्यों ना हम आपस में बॉन्ड बनाकर ये जो कमी है इसको पूरा कर दें. तो इन्होंने आपस में जब ये बॉन्ड बनाया, दिस बिकेम द पेप्टाइड बॉन्ड. तो ये डाइपेप्टाइड आप लोगों को जो यहाँ पे नजर आ रहा है, दो अमीनो एसिड के मिलने से एक डाइपेप्टाइड जो बना हुआ है, इसमें क्या है कि दो अमीनो एसिड जब आपस में मिलते हैं, एक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे का अमाइन ग्रुप जो है वो आपस में इंटरेक्ट करता है, पानी का मॉलिक्यूल बनेगा, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होगी, और इस डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के नतीजे में वी विल गेट अ पेप्टाइड बॉन्ड. ये जो सिनेरियो है ये चलता जाता है एंड वी गेट अ पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन हमें मिल जाती है. अब हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स होती हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करती हैं, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. हो सकता है किसी ने हमारी बॉडी का सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना हो, जैसे कि केराटिन प्रोटीन है हमारे बालों में, हमारे नेल्स के अंदर केराटिन प्रोटीन होती है. बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि बालों का रंग तो काला है, नेल्स जो हैं वो सफ़ेद हैं, दोनों में सेम प्रोटीन कैसे है? तो ब्लैक कलर या जो ब्राउन कलर है, जो डार्क कलर है, वो मेलानिन प्रोटीन की वजह से होता है, लेकिन केराटिन दोनों जगह पर पाई जाती है. तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें, देयर आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स इन आवर बॉडी और इन एनी ऑर्गेनिज्म. प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में एमसीक्यूज आपसे क्या पूछा जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ सपोज कर लीजिए हमारे पास कुछ अमीनो एसिड्स हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं और उन्होंने एक लीनियर सी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई है. दैट विल बी द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. It does not perform any kind of function. इसने कोई काम नहीं करना. ये सिर्फ पहला जो बना है स्ट्रक्चर प्रोटीन का, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है. इसके बाद प्रोटीन को या तो सेकेंडरी या टर्शरी या क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के अंदर फोल्ड कर दिया जाएगा, मोल्ड कर दिया जाएगा. प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में एमसीक्यूज का पूछा जाता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है प्रोटीन के लिए. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर नंबर ऑफ अमीनो एसिड और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, दीज आर द टू थिंग्स दैट मैटर. जो हमें सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर सीक्वेंस और नंबर ऑफ अमीनो एसिड ही नजर आता है, इसके अलावा कुछ भी जो है वो हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर नजर नहीं आता, वो देखने वाला ही नहीं है. उसके अलावा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है. ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं. अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की, दिस इज वेयर थिंग्स गेट कॉम्प्लिकेटेड. एक चीज अभी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने याद रखनी है, याद रखिएगा कि अगर हम एक अमीनो एसिड को ड्रॉ करते हैं, सपोज कर लीजिए दिस इज वन अमीनो एसिड, उसका एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप था और यहाँ पे एक अमाइन ग्रुप था, साथ एक साइड चेन है. जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर ये ऑक्सीजन है, इट विल हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज. जो अमाइन ग्रुप के ऊपर हाइड्रोजन एक बच गया था, इट विल हैव पार्शियली पॉजिटिव चार्ज. तो डिफरेंट अमीनो एसिड्स के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइन ग्रुप के ऊपर ये जो साइड पे एटम्स मौजूद हैं जिनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे की तरफ, और इनकी जो अट्रैक्शन है उसकी वजह से हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं. जैसे कि सपोज कर लें अल्फा हेलिक्स की अगर बात करते हैं, आफ्टर एवरी 3.6 अमीनो एसिड यू गेट अ टर्न, जहाँ पे आपको नजर आ रहा होता है कि अमीनो ग्रुप का जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऑक्सीजन के दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. अगर लेट मी रिमूव इट फर्स्ट.
सपोज कर लीजिए कि हमारे पास कुछ अमीनो एसिड्स हैं, मेकिंग इट लाइक दैट दिस हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड. कुछ अमीनो एसिड्स हैं जिसमें हमारे पास अमीनो एसिड नंबर 1 और अमीनो एसिड नंबर 4, इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुई. 2 और 5 के दरमियान में, 3 और 6 के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुई. इसके अलावा जो ये 4 था उसने आगे 7 के साथ भी जो एक अट्रैक्शन जो है वो जनरेट कर ली. तो द इंटायर चेन विल गेट ट्विस्टेड, ये आपस में ट्विस्ट होगी और ट्विस्ट होकर एक अल्फा हेलिक्स बना देगी. और अल्फा हेलिक्स के बारे में एमसीक्यूज क्या पूछे जाते हैं, हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर इन ईच टर्न. हमारे पास 3.6 अमीनो एसिड्स होते हैं हर एक टर्न के अंदर इस अल्फा हेलिक्स की. दूसरी बीटा प्लेटेड शीट्स, ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर का ही जो है वो टाइप है. बीटा प्लेटेड शीट्स कैसे बनती हैं, अगर ये जो आपको ऊपर नजर आ रही है एक 8 अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन, दो ईंट की जो हमारी दीवार है यहाँ पे, जो 8 अमीनो एसिड की छोटी सी पॉलीपेप्टाइड चेन है, इस 8 अमीनो एसिड के अंदर अगर ऐसा हो कि जो अमीनो एसिड नंबर 1 है ये बजाय इसके कि अमीनो एसिड नंबर 4 के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए वो 8 के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है, जो 2 है वो बजाय इसके कि वो 5 के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए वो 7 के साथ बना देता है, तो क्या होगा कि जो हमारे पास ये पूरी की पूरी चेन यहाँ से आगे से जो चेन है वो बेंड होकर इस तरफ को आ जाएगी. एंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ कॉइल यू विल गेट अ स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड arranged like this. यहाँ पे इनके दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो इस तरह से बने हुए होंगे. दीज आर नोन एज बीटा प्लेटेड शीट्स. तो जैसे हमारे पास हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती हैं, दीज आर द बीटा चेन्स, दीज आर द बीटा प्लेटेड शीट्स. ये दोनों ही हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स हैं और ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी में समटाइम नॉर्मली स्ट्रक्चर बना रही होती हैं. अगर सिर्फ एक सिंगल प्रोटीन की चेन है उसके ऊपर उसका अल्फा हेलिक्स बना हुआ है या बीटा प्लेटेड शीट बनी हुई है तो इन्होंने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना है, इन्होंने फंक्शन कोई परफॉर्म नहीं करना. अगर ये डिफरेंट अमीनो एसिड चेन या डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ मिल जाते हैं देन दे विल परफॉर्म फंक्शन जैसे कि हीमोग्लोबिन में होता है, वरना जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है केराटिन प्रोटीन एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करती है, वो सिर्फ हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ही बनाती है, उसने कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करना. टर्शियरी स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं तो देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स, डिफरेंट हमें लिंकेजेस नजर आते हैं. इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो वैल्यू रखता है दैट इज डाइसल्फाइड लिंक्स. जो आर्जिनिन है, जो मिथाइलिन है, हमारे पास ये अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक सल्फर का एटम मौजूद होता है. सल्फर का जो एटम है, जब दो अलग अलग अमीनो एसिड के सल्फर के एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो ये डाइसल्फाइड ब्रिज बनता है. इसके अलावा जो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हैं, इन तमाम इंटरेक्शंस की वजह से जो एक लंबी सी पॉलीपेप्टाइड चेन है वो अपने ऊपर ही कोयल होती रहेगी, अपने ऊपर दोबारा से वाइंड होती रहेगी और एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना देगी. दैट ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. और ये नॉर्मली एंजाइम्स का स्ट्रक्चर होता है, एंजाइम्स जो कि सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं वो एक टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं और ये हमेशा फंक्शनल होता है. इसने हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं बनाना बल्कि हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने हैं. अगर हम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखें टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से बॉन्ड्स थे. इसमें पेप्टाइड बॉन्ड था, बिल्कुल था, वो तो हर एक चेन के अंदर होगा. इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड था, बिल्कुल ये लाजमी होगा. इसके अलावा इसमें डाइसल्फाइड ब्रिज था, इसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस थी. ये जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, डाइसल्फाइड ब्रिज, ये सारे के सारे बॉन्ड जो कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में थे यही वाले बॉन्ड्स होंगे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के अंदर भी. लेकिन टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में डिफरेंस ये होगा कि टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी. अगर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे के साथ मिलकर ओवरलैप करके रैप होकर एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाती हैं तो दीज आर नोन एज क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. और ये भी हमारी बॉडी के अंदर फंक्शनल रोल परफॉर्म करती हैं, फंक्शंस पर प्ले करती हैं. जैसे कि हीमोग्लोबिन है वो एक क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करने वाली प्रोटीन है और उसने भी फंक्शन परफॉर्म करना होता है कि वो कैरियर प्रोटीन का काम कर रही होती है. तो दीज आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स जो कि हमारी बॉडी में प्रोटीन्स के पाए जाते हैं. इनके अगर एमसीक्यूज की बात करें, विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर मेंटेन्स द हेलिक्स शेप ऑफ एंजाइम. तो एंजाइम्स के अंदर या हेलिकल जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर, दैट विल बी द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन.
Which of the following is used in synthesis of nucleic acid, hormones, coenzyme एंड अमीनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. हमारे पास ये चार अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं, इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो तमाम तरह के जो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें सभी में कॉमन होगा. इट विल बी कार्बन. एंजाइम्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स. मार्क द करेक्ट आंसर विच कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट. तो कौन सा ऐसा ग्रुप ऑफ कंपाउंड है जिसके अंदर एंजाइम्स फॉल करते हैं. क्या एंजाइम्स फैट हैं? नहीं, फैट तो नहीं है, लिपिड तो नहीं है, वो कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, वो वाइटामिन भी नहीं है, वो प्रोटीन्स हैं. प्रोटीन का टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है. विच मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज इसेंशियल फॉर इट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम. तो कम अज कम टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है वो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन. इनमें से कौन सी ऐसी प्रोटीन है जिनमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है पाया जाता है. ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, कम अज कम टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर होगा. इंसुलिन के अंदर दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, तो ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करेगा. ग्लूकागन एक हॉर्मोन है. केराटीन प्रोटीन जो है इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब होता है. द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स दैट हैव बीन फाउंड टू अकर इन सेल्स एंड टिश्यूज आर. तो कितने अमीनो एसिड्स जो कि हमारे सेल्स में मौजूद है, यानी कि वो प्रोटीन्स का हिस्सा है. वो 170 तो नहीं होंगे जो प्रोटीन्स को बना रहे हैं, वो 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स हैं. मोस्ट प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ टाइप ऑफ अमीनो एसिड. कितनी टाइप ऑफ अमीनो एसिड? सेम क्वेश्चन, 20 टाइप, लेकिन डिफरेंट तरीके से पूछा गया है. बैकबोन ऑफ अमीनो एसिड कंप्राइज ऑफ. अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. बच्चे कोई भी डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप है उसको क्लिक कर देते हैं. उन्हें ये चीज देखनी चाहिए कि जो बैकबोन है, अगर आपके पास एक अमीनो एसिड बना हुआ है, सपोज कर लें ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एच पता नहीं कैसा बन गया. अच्छा जी, ये हमारे पास अमीनो ग्रुप है और ये आपके पास जो है ना आर ग्रुप है, साइड चेन है. तो जो बैकबोन है सी सी एन, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, ये हमारे पास इसका आंसर होगा. बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अल्फा हेलिक्स. अल्फा हेलिक्स में कौन सा बॉन्ड मौजूद है? पेप्टाइड बॉन्ड हर एक प्रोटीन के दो अमीनो एसिड के दरमियान में पाया जाएगा, लेकिन अल्फा हेलिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है. सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज इंपॉर्टेंट इन. प्रोटीन का कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोटीन का सीक्वेंस और प्रोटीन का नंबर, जो अमीनो एसिड का नंबर है, ये इंपॉर्टेंट होता है. तो ये हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर होता है. सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के अंदर आगे फर्दर जो बॉन्ड्स बने हुए होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द अल्फा हेलिक्स ऑफ प्रोटीन इन इट्स प्लेस. अगेन सेम क्वेश्चन, डिफरेंट तरीके से पूछा गया. हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा होता है जो कि अल्फा हेलिक्स को होल्ड करता है, मेंटेन करता है. सेम यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो हमारे पास अल्फा हेलिक्स को बना रहा होगा. इन ग्लाइसिन आर इज, मैं आप लोगों को पहले बताया था कि दो अमीनो एसिड ऐसे हैं, ग्लाइसिन और एलानिन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इस काम के लिहाज से. ग्लाइसिन के अंदर जो आर है वहां पे हाइड्रोजन का एटम मौजूद होता है, एलानिन में यहाँ पे मीथेन होता है. तो ग्लाइसिन में आर की जगह पे हाइड्रोजन होगा, मीथेन नहीं होगा. हाइड्रोजन इज द आंसर.